Hello friends, welcome back to my channel. In today's video, we'll be learning acrylic painting techniques. I'm starting my new series acrylic painting tutorials, जिसमें मैं blending या easy tricks सिखाऊंगी, जो मैंने खुद practice करके सीखी है, so that it will be helpful for you people. So I'm using this canvas and these paints, blue, white and purple color. Which is also called as violet in some boxes. So for canvas to start painting, हमें canvas को थोड़ा moist करना होता है, तो मैं brush को थोड़ा सा moist करके canvas पे ऐसे लगा रही हूँ, ताकि canvas moist हो और acrylic paint blend हो. Acrylic painting के लिए सबसे difficult पार्ट होता है ब्लेंडिंग का, क्योंकि वो जल्दी ड्राई हो जाते हैं, सो इससे वो ड्राई नहीं होंगे. पर जो लोग पेपर यूज़ कर रहे हैं एक्रेलिक पेंटिंग पेपर, उनको ऐसे वाटर नहीं लगाना है. उनको मैं बताऊंगी आगे कि कैसे ब्लेंड करना है. कैनवस पे हम सीनरीज सीखेंगे, ताकि आप इजीली कोई भी पेंटिंग या किसी रेफरेंस इमेज से आप कोई भी सीन बना सकें. सो हमें स्काई बनाना है, उसके लिए हम ये अल्ट्रामरीन ब्लू कलर लेंगे, जो बॉक्स में आता है एक्रेलिक पेंटिंग बॉक्स में. उसमें वाइट कलर मिक्स करके हमें स्काई ब्लू कलर बनाना होगा. तो ये स्काई ब्लू कलर है. जो भी कलर हमें शेडिंग में लगाना है, जैसे कैनवस पर अगर हमें टॉप से बॉटम तक फेंट कलर लेते आना है, तो डार्केस्ट कलर हम टॉप में लगाएंगे, जैसे मैंने ये स्काई ब्लू कलर है. ये स्ट्रोक ऐसे लगाना है, आप देख सकते हैं ब्रश कैसे मूव करना है. अब बीच में अगर आप ऑब्जर्व करें स्काई को, तो पूरा ब्लू नहीं होता है, थोड़ा पर्पल शेड होता है. तो जो बॉक्स में वायलेट कलर का पेंट आता है, उसमें हम थोड़ा सा वाइट मिक्स करेंगे और वो हल्का सा शेड बीच में लगाएंगे. तो हमने ये वायलेट शेड लगाने से पहले वाइट कलर लगाए, ताकि वो इजी हो. ये एक टेक्निक है. जो दूसरा कलर हमें टॉप कलर जो हमने लगाया होता है, उसके नीचे जो शेड लेना है, उसके पहले अगर उसमें वाइट कलर लगा दे और उसके ऊपर जो दूसरा शेड ब्लेंड करना है वो लगा दे, तो वो ब्लेंडिंग बहुत ईजी होती है. तो आप टॉप पोर्शन में जो डार्क कलर लगाना है वो लगाएं, नीचे फेंट कलर डायरेक्ट लगाने से पहले वाइट कलर लगाएं. अब उससे भी नीचे मैं फिर से पहले वाइट कलर लगा रही हूँ. तो वाइट कलर मैं इसलिए लगा रही हूँ, ताकि मुझे वो बहुत फेंट शेड चाहिए नीचे, तो मैं उसके ऊपर और कुछ नहीं लगाऊंगी. और जो ये ब्लेंड हो रहे कलर्स, वो इस वजह से हो रहे क्योंकि ब्रश मॉइस्ट है. तो आप ब्रश को वॉश कीजिए और हल्का सा एक्स्ट्रा वाटर अपने जो भी क्लॉथ लिया है, टिश्यू पेपर लिया है, उस पर निकाल दीजिए. और जो मॉइस्ट ब्रश है, उसके हेल्प से आप ऐसे ब्लेंड कर सकते हैं. तो मुझे थोड़ा सा शेड और फेंट चाहिए था, लाइट शेड चाहिए था, तो मैंने और वाइट कलर लगाया, क्योंकि मेरे कलर्स थोड़े मॉइस्ट थे, तो वो ब्लेंड हो गया. तो ये टेक्निक है. जहाँ तक हमें स्काई निकालना है, जहाँ तक हमें स्काई चाहिए, वहाँ तक ही पहले लाइन खींच दें और वहाँ तक शेड्स बनाएं. ये एक टेक्निक थी कि ऊपर डार्क शेड और फिर नीचे वाइट कलर लगा कर वाइट कलर के ऊपर जो भी शेड ब्लेंड करना है वो करते जाए विद द हेल्प ऑफ मॉइस्ट ब्रश. अब नीचे एक दूसरी टेक्निक है. जो शेड हमें बीच में चाहिए, टॉप पोर्शन से ना आते हुए जो शेड हमें बीच में चाहिए, जैसे कि बीच का जो शेड होगा वो टॉप पोर्शन से थोड़ा सा लाइट होगा, बट नीचे जो है, नीचे के पोर्शन से थोड़ा सा डार्क होगा, तो वो शेड आप पहले लगा सकते हैं, जैसे कि मैं लगा रही हूँ. तो बीच में मैं पहले लाइट स्काई ब्लू कलर लगा रही हूँ, और जैसे ही मैंने ये अप्लाई कर दिया, उसके बाद उसी में मैं थोड़ा सा ब्लू कलर ऐड करूँगी उसी शेड में, और ब्लू कलर जो है
थोड़ा सा डार्कर शेड मैं उसके ऊपर ब्लेंड करूँगी जो हमें टॉप पे लगाना है. सो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम और फ्रॉम मिडल. मिडल इसलिए क्योंकि वो शेड ड्राई नहीं रहता तो इजीली ब्लेंड हो जाता है. तो मैं ये ऐसे पहले ब्लेंड कर रही हूँ, बीच में दोनों शेड ब्लेंड कर रही हूँ, बाद में टॉप पोर्शन में डार्कर शेड लगाना इजी होता है क्योंकि कुछ लोगों को टॉप से बॉटम में डार्क टू लाइटर शेड लगाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है. सो यू कैन अप्लाई लाइटर शेड इन द मिडल फर्स्ट, देन अप्लाई डार्कर शेड टू द टॉप एंड लाइटर शेड टू द बॉटम. तो ये एक मेथड है. जिनको ये दोनों नहीं आता, जो नहीं ट्राई करके भी जो नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए इजी ये होगा कि पूरे पोर्शन पे वाइट एक्रेलिक कलर लगाए, पहले थोड़ा सा मॉइस्ट रखे उसको, थोड़ा सा वाटर लेके ऐसे. हमेशा अगर आपको ब्रश से इजी नहीं जा रहा है तो वाटर आप ले सकते हैं. तो ये देखिए मैं लाइटर शेड जो है वो नीचे फिर से लगा रही हूँ, बट नीचे का मुझे और लाइट चाहिए तो मैं थोड़ा सा उसमें वाइट कलर ऐड करूँगी क्योंकि ये मॉइस्ट है कलर, तो वाइट ऐसे ही ब्लेंड हो जाएगा. तो जिन लोगों को ये दोनों मेथड्स नहीं इजी जा रही, उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ कि पहले बेस में पूरा वाइट एक्रेलिक कलर लगाएं और उसमें थोड़ा सा वाटर मिक्स करके लगाएं ताकि वो मॉइस्ट रहे, और वाइट बेस पे जो भी शेड्स लगाने हैं वो शेड्स उसके ऊपर टॉप मिडल बॉटम पोर्शन में लगा दें और वो ब्लेंड करें. एक एक लेयर ब्लेंड करते जाएं तो आपको ईजी होगा. फॉर एवरी वन द ब्लेंडिंग मेथड इज़ डिफरेंट. हर कोई अपने अपने एक्सपीरियंस से, अपने प्रैक्टिस से सीखता है. हर किसी के अपने अपने टेक्निक्स होती है. आप ये तीनों टेक्निक्स ट्राई कर सकते हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि आप किस में कंफर्टेबल हैं. ये स्काइज जो हमने निकाले हैं इनकी आप प्रैक्टिस करें, बहुत इजी है. आप पेपर पे कहीं पे भी कभी भी 2-3 मिनट भी अगर टाइम है, ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, छोटे से पेपर पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. सो ये स्काई जो है ये हमारा रेडी है. अब हमें क्लाउड्स बनाने हैं. इसके लिए मैं वाइट कलर लूँगी. वाइट कलर लेने के बाद जहाँ क्लाउड्स चाहिए वहाँ पे हमने इसको अप्लाई किया है. एकदम हल्के हाथ से अप्लाई करना है, प्रेशर नहीं देना है, कोई शेप नहीं निकालना है, सिर्फ अप्लाई करना है. तो हमने, मेरे हाथ से गलती से नीचे पेंट लग गया था. सो हम बैक टू द पॉइंट, हम क्लाउड्स बना रहे थे. तो क्लाउड्स मैंने ऐसे वाइट कलर अप्लाई किया जहाँ जहाँ मुझे क्लाउड्स चाहिए. अब आपको एक सेपरेट मॉइस्ट फ्लैट ब्रश चाहिए जो मैंने लिया है अलग से, और उसके हेल्प से हमें ये जो क्लाउड्स है इसको देखे, इसको फेंट करना है, ऐसे ऐसे फैलाना है. बहुत ही लाइट प्रेशर के साथ हमें इसको फैलाना है ताकि ये थोड़ा सा रियलिस्टिक लगे. कभी भी शार्प एजेस किसी चीज़ के दिखे तो वो रियलिस्टिक नहीं लगता, और जो भी डिस्टेंस पे होते हैं ऑब्जेक्ट, जैसे कि स्काई दूर होता है तो पेंटिंग हम निकालते हैं तो दूर के पॉइंट से लेके जो नियरेस्ट पॉइंट है वहाँ तक आते हैं. पहले डिस्टेंस से स्टार्ट करते हैं तो सबसे फार होता है स्काई, वहाँ से स्टार्ट करना है. तो वो कभी भी थोड़ा सा अनइवन रहेगा, अनसिमेट्रिक रहेगा, सिमेट्रिकल नहीं रहेगा, और एजेस कभी भी ऐसे क्लाउड्स के शार्प नहीं रहेंगे, तो वो रियल लगता है. जैसे जैसे दूर का ऑब्जेक्ट हम पेंट करते हैं वो उसके एजेस थोड़े से ऐसे ब्लेंड करने हैं,
थोड़े से उसको फैलाना है तो वो रियल लगता है। अभी लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट जो है वो स्काई हमने निकाला। किसी भी पेंटिंग में सीनरी अगर निकाल रहे, लैंडस्केप निकाल रहे हैं, तो जो भी ऑब्जेक्ट सबसे डिस्टेंस पे है उससे स्टार्ट करना है और जो क्लोजेस्ट पॉइंट है वहाँ तक जो ऑब्जेक्ट है वो हम लास्ट में निकालते हैं। तो देखिए ये जो क्लाउड्स है हमने वाइट कलर फिर से थोड़ा सा अप्लाई किया है, बट बहुत ही थोड़ा लेना है। और अगर आपकी मॉइस्ट ब्रश के मदद से वो ज़्यादा फैल रहे हैं तो वो आप ड्राई ब्रश की मदद से थोड़ा सा ब्लेंड कीजिए क्लाउड्स को। फिंगर भी आप यूज़ कर सकते एजेस को थोड़ा सा अनइवन करने के लिए। तो इट इज़ द ईजीएस्ट मेथड। आप बस थोड़ा सा, बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा पेंट लेना है ब्रश पे, ड्राई ब्रश पे, और ऐसे हल्के हाथ से उसको टैप करते करते स्प्रेड करना है। दिस इज़ द ईजीएस्ट वे टू ड्रॉ क्लाउड्स। कुछ लोग स्पंज की मदद से भी करते हैं, बट मुझे ये करना बहुत ईजी लगता है, सो मैं आपको वैसे ही सिखा रही हूँ। कुछ अगर वाइट पेंट बच गया तो आप थोड़े से स्ट्रोक्स अनइवन असिमेट्रिक क्लाउड्स दिखाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा स्काई जो है, जो डे लाइट में स्काई दिखता है, वो रेडी है। आप ये ज़रूर प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का पोर्शन बताएंगे। थैंक यू।